सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। संबल में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा नेता और उर्दू अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष हाजी आजम कुरैशी ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के प्रति भेदभाव का आरोप लगाते हुए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। इससे पता चल रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है और मौजूदा सरकार, चाहे वो प्रदेश की है चाहे देश की है, वो बिना भेदभाव के हिंदू और मुसलमान सबके विकास का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की जो योजना गरीबों को आवास की थी, कोई भेदभाव नहीं हुआ, उसमें हिंदू को भी जितने घर मिले उतने ही मुसलमान को भी घर मिले। शाहजहांपुर में लॉयंस क्लब सहेली के सेवा सप्ताह के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर के द्वारा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। स्वास्थ्य शिविर में गाँव की महिलाओं की और विद्यालय की बालिकाओं की जाँच की गई। विद्यालय में स्वास्थ्य के संबंध में बालिकाओं को जागरूक भी किया गया और स्वच्छता के बारे में भी बताया गया। इस शिविर में करीब 200 लोगों को दवाइयों का वितरण किया गया। आज लायंस क्लब सहेली की तरफ से प्राथमिक विद्यालय अकागा रसूलपुर में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, और जिसमें हमारे साथ लायंस क्लब सहेली की बहुत सारी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे लायंस विश्वा मेहरोत्रा जी, लायन एकता अग्रवाल जी, लायन ज्योति गुप्ता जी, लायन नीतू अग्रवाल जी, और जो यहाँ के शिक्षक हैं मुदित सेठ जी, और बहुत सारी महिलाएं टीचर हैं और पाल जी हैं यहाँ पर। तो जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, इसके अंदर हमारा उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं और बच्चियों को थोड़े से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दें, हाइजीन के बारे में जानकारी भी दें, और उसके अलावा जो मुख्यतः इस समय सीजनल बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि डेंगू चल रहा है, छोटे बच्चों में हैंड फुट माउथ वायरल डिजीज़ चल रही है, उसके अलावा जो मैंने देखा यहाँ पर परेशानियाँ हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पैरों में बहुत दर्द, घुटनों में बहुत दर्द, और छोटे बच्चों के पेट में दर्द, इससे संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं उन सबका हम परामर्श करके और दवाइयाँ दे रहे हैं। हमारा लायंस क्लब सहेली में, जिसे लायंस क्लब से ऊपर से आता है, अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है वो सेवा सप्ताह होता है, तो इसके अंतर्गत हम लोग कैंप भी लगाते हैं, बच्चों में प्रतियोगिता भी कराते हैं। जैसे आज पोस्टर प्रतियोगिता करवाई, तो उसमें जल का हम संरक्षण कैसे करें, स्वच्छता पर ध्यान कैसे दें और वातावरण को कैसे स्वच्छ रखें, पर्यावरण के ऊपर काफ़ी बच्चों ने मेहनत की, पोस्टर बनाए और उनको हम लोग पुरस्कार भी देते हैं। तो वही आज हमारा लोगों का सेवा सप्ताह यहाँ पर चल रहा है। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर हत्याकांड की पहली बरसी पर देशभर के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि लखीमपुर हत्याकांड की पहली बरसी पर किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला मुख्यालय पर बाक्यू क्रांतिकारी और किसान सभा ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। साथ ही पार्क में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य मीडिया प्रभारी के अलावा बाक्यू टिकैत के राष्ट्रीय सचिव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आज से एक साल पहले लखीमपुर में एक दर्दनाक घटना हुई, जब किसान अपने विरोध प्रदर्शन करके लौट रहे थे तो मंत्री पुरुष आशीष मिश्र टैनी ने थार गाड़ी से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें चार किसान और एक पत्रकार जो है शहीद हो गए। उसके बाद जो अभी तक जो है किसी को भी न्याय नहीं मिला है, केवल शहीदों के घरों को 45 लाख रुपये मिले, उनको सरकारी नौकरी का वायदा था, आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। घायल 13 घायल हैं, उनको 10 लाख रुपये का वायदा था, अभी तक एक पैसा नहीं मिला उनको। और यहाँ तक कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी की मांग थी, अभी भी वो आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। पिछले दिन जब दिल्ली में उनकी पैरवी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस समय गवाह पर अटैक हुआ था उसी दौरान, और आए अभी वहाँ जो पैरवी कर रहे हैं एक किसान नेता, उनकी ज़मीन की कुर्की के वारंट आ गए हैं,
मतलब प्रशासन और सरकार जो है सत्ताधारी सत्ता प्रशासन के साथ मिलकर अभी भी इस मामले को दबाने पर है। हम लोग पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कोई कार्रवाई न किए जाने के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसमें जो भी मांगे हैं इनकी कि जो किसान इनकी मृत्यु हुई थी उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरी दी जाए और जो दोषी व्यक्ति हैं मेरे केंद्रीय मंत्री का नाम भी नहीं लिया दोषी है उनको हटाया जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल से। तथा तीसरा है कि जो किसानों को गैर वाजिब तरीके से अभी कारागार में रखा गया है उनको पैरवी करके और जमानत दिखाई जाए। किसको संबोधित ज्ञापन है सर? ये माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यथाशीघ्र पहुँचाया जाएगा। खबर औरैया जिले के कुदरकोट से है जहां 122 साल से चली आ रही पुरानी विशाल रामलीला का आयोजन इस वर्ष भी किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के जाने माने कलाकारों की ओर से मंचन किया जा रहा है जिसमें रामलीला समिति के पदाधिकारी ने जिला पंचायत सदस्य को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। अलीगढ़ में विनायका इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल स्थित सूर्य विहार अलीगढ़ में विद्यार्थियों ने रामनवमी और दशहरा का उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जिसमें विद्यार्थियों ने नाट्य के माध्यम से रामायण के सभी पात्रों का संजीव चित्रण किया और पूरी रामायण को एक सूत्र में पिरो दिया। साथ ही इस बात का संदेश दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो उसको अंत में हारना ही पड़ता है। वहीं कक्षा पीजी से यूकेजी तक के बच्चों ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से रावण और राम का चित्र बनाया। आज जो है हमारे बच्चों ने विनायका इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चों ने रामलीला का आयोजन किया गया जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने अपने एक्ट्स किए और जो भी रामलीला हुई थी और जो भी हमारा रिच कल्चर और हेरिटेज है इसके बारे में उन्होंने बताया, बाकी के विद्यार्थियों को इसके बारे में अवगत कराया। छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ नहीं कर पाते, बावजूद इसके इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे मॉडल्स बनाए हैं। किसी ने रावण बनाया है, किसी ने जो है क्राफ्ट वर्क किया है, तो इस तरीके से सभी इंगेज रहे और सभी ने बहुत अच्छे से हर्षोल्लास के साथ में ये पर्व मनाया। स्कूल जो स्कूल में आज प्रोग्राम हुआ है वह रामनवमी और दशहरा से संबंधित हुआ है। ये प्रोग्राम कराने का हमारे उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं कि हमारे बच्चों में भगवान राम से संबंधित, माता सीता से संबंधित, भगवान हनुमान जी से संबंधित संस्कृति विलुप्त होती जा रही है दिन पे दिन। हम इन प्रकार के प्रोग्रामों से बच्चों को भगवान राम के बलिदान से संबंधित, भगवान लक्ष्मण जी के कर्तव्य परायणता से संबंधित भाई के प्रति और हनुमान जी के मैनेजमेंट किस प्रकार से सेतु निर्माण कराया, किस प्रकार से लंका पार करी, तो इन सब चीज़ों से हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बरसात हुई जिसकी वजह से शहर से लेकर गांव तक की सड़कें जलमग्न हो गई जिसके चलते सरकारी विभाग हो या पौश इलाके सभी जगह पानी पानी दिख रहा था। मूसलाधार बरसात का असर इतना था कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था जिसके चलते किसानों को भी मूसलाधार बरसात की वजह से धान की फसल पर काफी नुकसान भुगतना पड़ा। 20 से 30, 35 साल, 40 साल पुरानी जगह है जो हमारे पिताजी और हमारे दादाओं की पुरखों की जगह थी। ये सारी इसमें कुछ किराएदार हैं जो दुकानें बनी हुई हैं बाहर फ्रंट पे। ये मूसलाधार बारिश जो कुछ दिन पहले गद समय पे शहर के अंदर बहुत तेज़ी से हुई उसमें यहाँ पानी भरा और पानी कटा, उसमें से 2-3 दुकानों की दीवारों के पीछे जो झंझर हालत में थी गिर गई हैं। अब क्षेत्रीय किराएदार जो अपना उसमें था जो जिनका भी अवैध कब्जा है, ना हमें कभी कोई किराया देते हैं ना उनके पास कोई प्रूफ है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बनाने के लिए अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं। क्या आपने अब तक क्या कार्रवाई की? हमने 112 नंबर पर कॉल किया था, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने यहाँ आगे रुकवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को धौंस मिल रही है। अमेठी में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी बैठकर चलने वाले ट्रैक्टर को फटकार लगाई है। वहीं यातायात पुलिस ने 147 वाहनों का चालान काटते हुए लाखों रुपए का राजस्व विभाग ने जुर्माना लगाया है।
अलापुर इंडस टावर एरियल टेलीकॉम की ओर से चल रही सुरक्षा मशाल यात्रा बदायूं पहुंची, जहां से यात्रा सिविल लाइन स्थित टावर पहुंच गई तो वहीं सभी कर्मचारियों और नागरिकों ने इंडस टावर के ऑपरेशनल हेड विजय भोटियाल ने कहा कि एक्सीडेंट में 2 मिनट का ढेस ही मूल मंत्र है। साथ ही इस मौके पर हरवीर चौधरी ने इंडस के सेफ्टी के 6 रूल और काम करने पर जोर दिया। गाजियाबाद के सदरपुर इलाके में सनसनी मच गई। खेत में एक युवक की लाश और वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हालत में मिला। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही घटना की जाँच में जुट गई। आज की तारीख में तकरीबन 12 बजे के आसपास हमारे पास एक अज्ञात व्यक्ति आया था, नाम उसका अभी तक हमको पता नहीं लग पाया है। उसकी हिस्ट्री थी कि लड़ाई झगड़े का केस था, लड़ाई झगड़े जैसा बताया गया था कि दुहाई में 11:30 बजे के आसपास झगड़ा हुआ था। जब वो व्यक्ति आया उसकी हालत बहुत गंभीर थी और हमने उसको तुरंत ही भर्ती करा और लेकिन भर्ती इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ था चोट के निशान से? उसके कई जगह सिर पे 3-4 चोट थी और उसके हाथ पे चोट थी, पैर पे चोट थी। आज सुबह 11:30 बजे मलून बापूधाम क्षेत्र के गुहाई गांव से पुलिस को सूचना मिली, यहां पे एक खेत में एक मृत व्यक्ति एवं एक घायल व्यक्ति पड़े हुए हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो उसमें पता लगा कि जो मृत व्यक्ति है उनका नाम ब्रजपाल सिंह सन ऑफ जयपाल सिंह है, जो कि सदरपुर गांव के रहने वाले हैं, एवं जो घायल व्यक्ति है उनका नाम विकास सिंह सन ऑफ ब्रजपाल सिंह है, जो कि दुहाई गांव के रहने वाले हैं। मौके पता चला, तत्काल घायल को उपचार हेतु संजय नगर अस्पताल भेज दिया गया। मौके पता चला है कि इन दोनों में आपस में 5 लाख रुपए का लेन देन का विवाद था, जिसमें विकास सिंह एवं ब्रजपाल सिंह का आपस में झगड़ा हो गया था और विकास सिंह ने फावड़े से उन पर वार करा था। मृतक की डेड बॉडी का पीएम कराया जा रहा है एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी में बीती देर शाम थाना नीम गांव के गांव इब्राहिमपुर में मजदूरी के पैसे मांगने पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते हुई हिंसा, कई ग्रामीण घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नीमगांव पुलिस ने मामला शांत करवाया, घायलों को उपचार के लिए गोल CSC भिजवा दिया, जहां पर मारपीट के घायल राम सरन की हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया था, तो वहीं उपचार के दौरान घायल की मौत हो गई है। वहीं शांति व्यवस्था को लेकर गांव में पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। पापा राम गोपाल यहाँ के काम करते थे, पाइप खींचते थे स्प्रे मशीन पे, और जब इन्होंने रुपए मांगने गए तो ये दिए नहीं, 6,000 रुपए थे इन पर, और इन्होंने मारते हुए यहाँ तक लाया और ये दोबारा गिरा, और फिर ये रिपोर्ट लिखाने पहले ही पहुंच गए, फिर मेरे पापा गए, फिर वहाँ से मेरे पापा रिपोर्ट लिखा के आए। तो कितने बजे रिपोर्ट लिखाने गए हैं? रिपोर्ट लिखवाने गए हैं लमसम 7:30 बज गया था शाम को। हाँ, तो क्या जब रिपोर्ट लिखवा कर गया, क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई उस रिपोर्ट पर की थी? नहीं। अच्छा, फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में ये लोग मारने के प्लान बना के यहाँ तक, वहाँ से यहाँ मारने आए, फिर दोबारा आए वो लोग, फिर हम भागते हुए पैदल चौकी पे गए, तब दीवान सर को बुला के लाए, तब वो मेरे मामा को मारा है, वो खत्म हो गए। किसने मारा है पीटा, किस बात को लेकर विवाद हुआ है? अरे वो इनके दाऊ के रुपये थे, वो मांगने गए, उनको मारा, फिर वो यहाँ लड़ने आए तो सुटाने लगे, तो वो मारने आए, मार दिया मठई, वो स्प्रे के थे, स्प्रे कराने गए थे, मांगने गए मजदूरी का पैसा। हाँ, मजदूरी का पैसा मांगने पर विवाद हुआ। हाँ, हरदोई में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद कार का टायर फट जाने से बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजर की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फंसे डिप्टी मैनेजर को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पूरे मामले में मृतक के शव का पंचनामा भर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। थाना कोतवाली देहात में कोरिया गांव है, वहां पर आज एक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें शाहजहाँपुर से हरदोई की तरफ एक तेज कार आ रही थी और उसका टायर फटने से वो डिवाइडर टकरा गई है, और उसमें जो व्यक्ति थे कमलेश
जो कि डिप्टी मैनेजर थे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में, उनकी डेथ हो गई है। सीसीटीवी में पता चला है कि काफ़ी तेज़ कार थी। पुलिस मौके पहुंची है और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हरदोई में भदोही के दुर्गा पंडाल में आग लगने से 3 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। पंडाल में आग इतनी फैली कि 3 घंटे तक लोगों में अफरा तफरी मची रही। इस अग्निकांड में 5 की मौत और 66 लोग घायल हो गए। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस एक्टिव मोड में दिखी। पुलिस घटना की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि पुलिस ने दुर्गा पंडाल को चेक किया और SP ने कमियां देखकर संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। हरदोई के भगौली थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें मृतक दंपत्ति के रिश्तेदार में ने ही दोनों की हत्या को अंजाम दिया था। बता दें कि डबल मर्डर जैसी निर्मम वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद SP सहित IG मौके पर जांच के लिए पहुंची और उन्होंने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया। जो मृतक है उसकी बहू का चचेरा भाई सुधाकर, जो कि थाना अतरौली करने वाला है, उसने ही कुछ षड्यंत्र करके ये कार्य किया करवाया है। इसके लिए पुलिस टीम लगाई गई थी और आज प्रातः ये सुधाकर और इसका एक साथी थाना अतरौली का ब्रजेश, इनको पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया कि जो मृतक था उसकी बहू के नाम कुछ ज़मीन थी। वो ज़मीन मृतक चाहता था कि चूँकि वो उसके पुत्र से ब्याही है उसके नाम हो जाए, किंतु ये सुधाकर उसको अपने नाम करा चुका था। इसी विवाद में इसके द्वारा अपने साथियों, इसमें एक और व्यक्ति का नाम आया है कन्हैया करके, इन दोनों को लेकर के आया था गाँव में और दोनों की हत्या करके ये लोग फरार हो गए थे। लखनऊ में रेलवे पुलिस GRP SP द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP रेलवे द्वारा बताया गया कि 29 सितंबर को विवेक रस्तोगी नामक व्यक्ति ने रेल हेल्पलाइन 139 पर सूचना दी और सूचना को देते हुए बताया कि वह एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान उसका बैग ट्रेन में उसकी सीट से चोरी हो गया, जिसमें सोना और नकदी बरामद की। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस एक्टिव हो गई और मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरी का खुलासा किया। पुलिस उपाध्यक्ष रेलवे टीम द्वारा सफल अनावरण किया गया। हमारे विवेचना में ये सामने आया कि जो इनके कथन था उसके आधार पे हमने मुखबिर मामूर किए, जो इनका कहना था कि 2-3 लोग स्टेशन से जब चार बार से चढ़े थे और वो कुछ ऐसे ट्रेन में उनकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध टाइप की थी, तो हमने अपने मुखबिर मामूर किए और फिर जब हमें पता चला तो वादी स्वयं ही अपनी महिला मित्र, जो इनकी दूसरी पत्नी के जैसे इनके साथ रह रही है, और अपने भांजा, उसके साथ मिलके प्लान करके इनके द्वारा ये घटना कार्य स्वयं ही करवाई गई, जो ये अपने कर्ज से बचने के लिए और क्योंकि दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, बाजार में पैसा ना देना पड़े, इसके लिए इन्होंने ये घटना की। ग्रेटर नोएडा के चूहड़पुर अंडरपास पर पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर कर दिया, जिसके पास से 29 लाख की फिरौती बरामद की गई है। वहीं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए। बता दें कि मारा गया बदमाश बच्चे के अपहरण के मामले में फरार चल रहा था। इसमें ये बदमाश शिवम पाल बाइक से आते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के उपरांत पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी है, जिसमें बदमाश शिवम को 2 गोली लगी थी, जिसमें उपचार हेतु उसको अस्पताल रवाना किया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको उपचार के बाद मृत घोषित किया। साथ में इसके पास से एक बाइक बरामद हुई है, एक पिस्टल बरामद हुई है, 29 लाख रुपए बरामद हुए हैं, मोबाइल फ़ोन और कुछ सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस सभी जो एक दूसरा बदमाश फरार है उसके ऊपर भी काम कर रही है और जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जाए। इसमें ये बदमाश शिवम पाल बाइक से आते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के उपरांत पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी है, जिसमें बदमाश शिवम को 2।
खबर सीतापुर से है, जहां जवाहरपुर डालमिया शुगर मिल में बड़ा हादसा हो गया। शुगर मिल में काम कर रहे मजदूर टैंकर के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई। कई अन्य घायल मजदूरों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां मजदूरों का इलाज चल रहा है। वाराणसी में काशी कला कस्तूरी संगीत पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर की संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष ने बताया कि प्रतियोगिता 7, 8 और 9 अक्टूबर तक चलेगी। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के प्रतिभागी के अलावा दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, कई शहर के प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को धनराशि तथा काशी कला कस्तूरी संगीत पुरस्कार एवं 15,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। ये जो संगीत प्रतियोगिता है चारों पट की गायकी पर आधारित, ये हम लोग कर रहे हैं और ये इस प्रतियोगिता में 6 से 7 राज्यों के लोग बच्चे आ रहे हैं, जैसे दिल्ली से, राजस्थान से, जयपुर से, पंजाब से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के तो हैं ही, हमारे बनारस के, क्योंकि हम बनारस को फोकस करके हमने ये प्रोग्राम को करना किया है ऑर्गेनाइज। तो इस तरह से कई राज्यों से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं और जो चारों पट्टी गायकी में अपनी, एक हिसाब से यूँ कहें कि अपनी पारंगता को वो उसमें दिखाएंगे। ये 3 दिन हमारे ये जो कंपटीशन हो रहा है चारों पट की गायकी, दैट इज़ ध्रुपद धमार और ख्याल, टप्पा ठुमरी या आप सुगम संगीत, और उत्तर प्रदेश की जो फोक संगीत है, लोक संगीत है, उसी के ऊपर आधारित। तो सबको समय दिया गया है, जैसे ध्रुपद धमार को 7 मिनट दिया गया है, ख्याल गायकी को 7 मिनट दिया गया है, और टप्पा ठुमरी को 5 मिनट दिया गया है, और फोक संगीत जैसे लोक संगीत को 3 मिनट दिया गया है। तो सारे बच्चों को पूरा ये समय मिलेगा और बच्चे अपना जो हुनर दिखा सकेंगे। पेंटिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले फ्लोरोसेंस आर्ट गैलरी की तरफ से आज राजधानी लखनऊ में रोहतास फ्लेमेरिया के कैनवस पर प्राकृतिक सौंदर्य की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें 39 चित्रों के माध्यम से एक्लिक्लिप को प्रदर्शित किया गया। वहीं इस पेंटिंग को राहुल राय की तरफ से बनाया गया था। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ वास्तुविद सविता अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि के तौर पर श्री रत्न संजय कटिया IPS मौजूद रहे। वहीं फ्लोरोसेंस आर्ट गैलरी की डायरेक्टर नेहा सिंह ने कहा कि हम सालों से आर्ट गैलरी का प्रदर्शनी लगवाते हैं, जिसमें कलाकारों को पहचान मिल सके। द नेचर्स लैब, ये हमारा 3 अक्टूबर का आज का एग्जीबिशन का मेजर थीम है। हमारे आर्टिस्ट हैं राहुल राय और ये पूरा उनका विजन है जिसको आज के एग्जीबिशन में दर्शाया गया है। एज फ्लोरोसेंस आर्ट गैलरी, हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग इमर्जिंग आर्टिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, उनके कामों को लोगों के सामने लाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव जिस पे हम निरंतर तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि अपने देश में, अपने विसिनिटी यानी कि हमारे स्टेट में आर्ट्स, कल्चर, हेरिटेज, ड्रामा और हर वो चीज़ जो संस्कृति से रिलेटेड है, हमारे हिंदुस्तानी फोक आर्ट से रिलेटेड है और आर्टिस्ट्स के विजन से रिलेटेड है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड को लोगों के सामने आने की, सही तरीके से सामने आने की बहुत ज़रूरत है। रायबरेली में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। सलोन कस्बे के अंदर दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर ने लगभग 125,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है? जी? क्या घटना हुई है? मेरे यहाँ चोरी हो गई है। क्या क्या चोरी हुआ है? लगभग 40 लगभग 1.25 किलो और 2.4 ग्राम तक, 3.5 ग्राम तक, और 15,000 लगभग हुआ। लगभग कितने रुपए तक की चोरी हुई है? लगभग कब की घटना है ये? कल की घटना है।
खबर जौनपुर से है, जहां खुटहन थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में जय बजरंग दुर्गा पूजा समिति द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें अध्यक्ष सोनू गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रभाकर गुप्ता और अन्य कार्यकर्ता सहित भक्तगण मौजूद रहे। बिजनौर में नवरात्र के मौके पर जेल में बंद कैदियों ने भी नवरात्र के व्रत रखकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। जेल में कैदियों ने भी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नवरात्र का पर्व मनाया। आपको बता दें कि व्रत रखकर पूजा अर्चना के दौरान ईश्वर से अपनी रिहाई के लिए प्रार्थना की। जिला जेल में कैदियों की नवरात्र के व्रत रखते ही चारों तरफ विशेष समुदाय के कैदियों की सराहना और प्रशंसा की गई। बलरामपुर में नवरात्रि का महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते श्रद्धालुओं में भी अपने गांव में मां दुर्गे की मूर्ति रखकर पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। वहीं सदर विधायक ने चाउरखाता गांव के इलाकों में पहुंचकर मां दुर्गा के पंडाल में श्रद्धालु और ग्रामीणों से मुलाकात की, साथ ही मां दुर्गे की मंदिर पर पहुंचकर दर्शन किया। शाहजहांपुर में नगर के मंदिरों में दुर्गा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां बंगाल में आए पुजारियों ने पूजा करवाया। वहीं महानगर के प्राचीन मंदिर ओसीएफ फैक्ट्री मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, श्री नारायण लाल धर्मशाला मंदिर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अष्टमी है और हम सब माता रानी की पूजा करने आए हैं। माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाती है और हम सब अष्टमी को सुबह से यहाँ आते हैं। देखिए कैसे यहाँ भीड़ है, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं और हमने भी आशा की है कि माता रानी मेरी भी मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। कलकत्ता से आया है और यहाँ हम लोग पंचमी दिन का आ गया था, षष्ठी दिन से पूजा हो रहा है यहाँ पर। अभी आज कल सप्तमी गया, आज अष्टमी है, कल नवमी है, उसके बाद दसवीं है। दसवीं बाद दिन हम लोग ये सब खत्म हो जाता है पूजा पाठ दुर्गा। हम लोग का जो बंगाली का तरफ से वैसे पूजा होता है। हम लोग का जैसा संधि पूजा है 3/26 में ऐसा होता है, वैसे हम लोग का जैसे बंगाल का जैसा नियम अनुसार से ऐसा हम लोग का चलते रहता है। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां मिश्री कस्बे मोहल्ला थोक स्टेशन रोड पर पहली बार भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आज मूर्ति स्थापन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि साथ ही देव जागरण के कार्यक्रम में सुंदर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इस देव जागरण में कई अतिथि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।